इंटरकन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, फ्यूजन कहेंगे, लिक्विड से गैस में चेंज होगा, वेपराइजेशन कहेंगे, और गैस से सॉलिड में चेंज हो जाएगा तो उसे डिपोजिशन कहेंगे। ओके, अब ठीक इसके अपोजिट, लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। सॉलिड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है, सब्लिमेशन कहेंगे, और गैस जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है, कंडेंसेशन कहेंगे। इसमें हीट का ये सारे जो है प्रोसेस एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, इंटरकन्वर्जन हो रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर हाई किया जाए तो ज़्यादा हीट मिलेगा, और टेम्परेचर लो किया जाए तो कम हीट मिलेगा। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, जिसका मतलब है कि सॉलिड को हीट मिल रहा है, इसलिए इसका फ्यूजन होकर के लिक्विड में चेंज हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड को क्या हो रहा है कि हीट मिल रहा है तो गैस में चेंज हो जा रहा है, तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कह दे रहे हैं। यहाँ गैस क्या क्या हो रहा है, गैस जो है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है। ओके, तो गैस जब सॉलिड में चेंज हो जाएगा तो उसको डिपोजिशन कहेंगे, यानी गैस जो है उसका टेम्परेचर लो किया जा रहा है तभी वो सॉलिड में चेंज हो रहा है। और यहाँ पे सॉलिड से अगर गैस में चेंज कर दिया जाए, यानी इसको हीट मिल रहा है, सॉलिड को हीट मिल रहा है, और उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और यहाँ पे गैस को भी हीट कम किया जा रहा है, जब गैस का हीट कम करेंगे और वो डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो जाए, गैस से लिक्विड में, तो कंडेंसेशन कहेंगे, और लिक्विड जो है अगर सॉलिड में चेंज हो जाए तो सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। इस तरह से फ्यूजन, वेपराइजेशन, डिपोजिशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये सब इंटरकन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर होने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई सबस्टांस है वो सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो फ्यूजन कहेंगे, और कोई सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जा रहा है तो सब्लिमेशन कहेंगे। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी सबस्टांस है या सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। वैसे ही डिपोजिशन है, तो कोई भी गैस है वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चला जाता है, तो इसको हम लोग डिपोजिशन कहेंगे। एक एग्जांपल हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे हीट देंगे तो वो गैस के फॉर्म में वेपर के रूप में चेंज हो जाएगा, और उसे जैसे अमोनियम क्लोराइड का हीट लो करेंगे तो पुनः गैस से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सब्लिमेशन और डिपोजिशन एक दूसरे के अपोजिट है, इस तरह से फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन भी एक दूसरे के अपोजिट है, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। थैंक यू।